हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस यार, आज जो मैं आपके लिए गन मोड लेकर आया हूँ, लिटरली आपने कभी भी इस वाले गन मोड को देखा नहीं होगा और काफ़ी ज़्यादा न्यू और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन गन मोड कह सकते हो आप इसको आज तक का। तो गाइस यार, मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मैंने फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करा और लगा कर खेला, तो भाई मेरे को तो लिटरली सबसे ज़्यादा मज़ा आ गया भाई इस मोड को खेलने में। तो गाइस यार, मैं भी आपको बताता हूँ इस मोड के अंदर क्या क्या चीज़ें। तो यार चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस यार, यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपल से मैं अपने वर्ल्ड के अंदर हूँ और यहाँ पर यार सबसे बड़ी एक दिक्कत है कि मेरे को ये स्प्लिट कंट्रोल ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि भाई स्प्लिट कंट्रोल से एम होगा और वो थोड़ा इजी रहेगा, वरना ऐसे मतलब कि भाई अंधी आंखों से मारने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अपन को स्प्लिट कंट्रोल से मारना पड़ेगा वरना अपन हार सकते हो बार बार। यार मैंने सारी गन्स एंड एमोज ले लिए, चलो यार इनको यूज़ करके देखते किस तरीके की मतलब लगती है चलने में अपनी गन वगैरह। तो गाइस यार, सबसे पहले ये वाली गन, अभी सबसे मेरी फेवरेट ये वाली थी और इसका नाम क्या है, लेदर, और इसको अपन चला सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे भाई ये डायरेक्ट ही चल रही है, पर अगर आप सर्वाइवल के अंदर चलाओगे ना तो आपकी क्या दिक्कत आएगी कि आपको अपने लेफ्ट हैंड जो अपने शील्ड रखते हो ना आप, उसके अंदर आपको क्या रखनी पड़ेगी, मैं अपना मतलब एमओ रखनी पड़ेगी जो गन चला रहे हो उस हिसाब से। अभी तो मैं क्रिएटिव के अंदर हूँ तो इस वजह से मेरे को एमओ मतलब यहाँ पर अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि भाई क्रिएटिव के अंदर हर एक चीज़ अनलिमिटेड रहती है इस वजह से। तो गाइस यार, यहाँ पर आप देख सकते हो तो ये वाली गन का मेरे को सबसे ज़्यादा मतलब जो मेरे को इस गन का लगान सबसे ज़्यादा बेस्ट इसका आगे का जो पार्ट है जहाँ से गोलियाँ निकलती है ना, वो ऐसे घूमता रहता भाई, मतलब इसका नेक्स्ट लेवल यार, एकदम नेक्स्ट लेवल। और इस अपने प्लेयर का पकड़ने का देख सकते हो किस तरीके का तरीका, मतलब इसका पकड़ने का एकदम ही अलग तरीका हो गया अपने गन को। और अगर ये चलेगा तो एकदम पबजी की तरह सामने से नॉर्मली चलेगा तो ऐसे नॉर्मली दिखेगा, पर अगर ये भागेगा तो ये देखो पबजी की तरह मतलब इस तरीके से इसने गन कर लिए और अभी ये सिंपल से अपने चलेगा। तो गाइस यार, ये वाली मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी। चलो तो यार मैं इस पिक को मार के दिखाता हूँ कितना ज़्यादा जल्दी मारती है गन। हाँ, यहाँ पर इसको चलाता हूँ और ये देख सकते हो मतलब कि भाई इतनी खतरनाक आवाज़ आती है ना। एक बार आपको इस वाली गन की आवाज़ सुनाता हूँ भाई, एक बार सुन के देखना भाई साहब, मेरे को मतलब कुछ इस तरीके के लगता है कि ये वाली गन चलती है ना जबकि भाई अपने वो खतरनाक करंट का शॉट वगैरह होता है, इस तरीके से लगता है मतलब करंट का तगड़ा वाला शॉर्टेज लग रहा है इस तरीके से लगता है दिखने में। और यहाँ पर इसको मारते और ये मर गया मतलब कि सिंगल। और यहाँ पर कौन सी गन है, और यहाँ पर भाई साहब ये मस्त है यार, अभी यहाँ पर गया और इसको मैंने करा, यहाँ पर इसको मैंने मारा और ये मर गई, मतलब कि तगड़ा यार सिस्टम, तगड़ा बड़ा। और यहाँ पर गया और इसको मारा, ये भी मर गया मैं, मतलब कितना ज़्यादा आसान हो गया यार मारना इनको। ओ भाई साहब यार, गन्स होना तो मज़ा आ जाता माइनक्राफ्ट के अंदर। और नॉर्मली अपन भगते तो कुछ इस तरीके से दौड़ के भगते, तो मतलब ये गन थोड़ी इस तरीके से ये भगता है लेकर, मतलब कैसे बताऊँ आपको, इस तरीके से लेकर भगता ही है और समझ जाओगे आप मतलब किस तरीके से लेकर भग रहा। तो यार ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, हर एक चीज़ का अलग एनिमेशन है। और चलो तो यार ये पिस्टल देखते, पिस्टल का भी देख लेते क्या सिस्टम है। चलो तो यार पिस्टल देखते, ओके यार पिस्टल का एनिमेशन तगड़ा, आप सामने की तरफ देखना एक बार, मैं यहाँ पर इसको मारता हूँ। तो अभी मतलब अगर आप देखोगे ना तो इसके अंदर साउंड इफेक्ट ले लो, चाहे इन गन्स का टेक्सचर ले लो, और या फिर इन अपने प्लेयर की चलने की जो पोजीशन होती है जब गन होल्ड करके चलता है तो उसके जो एनिमेशन है वो भी देख लो, मतलब हर एक चीज़ पे क्रिएटर ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है भाई, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। और ये वाली अपनी नॉर्मल है, अपनी नॉर्मली मतलब कि ये डेजर्ट ईगल होगी मेरे ख्याल से, मैंने इनका नाम बिल्कुल मतलब ध्यान नहीं दिया भाई पूरा। और ये अलग ही तरीके से चल रही है भाई साहब, ये चल रहा है, चलो ये अच्छी बात है। और इसी के साथ अपनी ये जो मेरी भाई मेरे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज वाली गन ये वाली लगी है, और इसका अगर आप देखोगे ना सामने अगर फायरिंग करोगे तो यहाँ पर आप देखो इसकी नेक पीछे की तरफ आती है और ऐसे हाथ से करते हैं ना अपन ये पोस्टर को पीछे की तरफ, तो उसी तरीके से हो रहा है एकदम रियल टाइप। और यार ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है, अगर मैं यहाँ से जाता हूँ और लगातार अगर गोले चलाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई इनको मार सकता हूँ। ओके यार लगातार नहीं चलती है थोड़ी देर, ओके लगातार चल रही है। और अभी अपन देखते हैं कौन सी गन अपनी बाकी रह गई है। तो यार नीचे की तरफ तो मैं आ गया हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ये वाली गन, ओके ये वाली कौन सी थी, ये वाली, ओके ये वाली थोड़ी अलग थी इससे, चलो ये वाली यूज़ करके देखते हैं। ओके तो यार ये वाली काफ़ी ज़्यादा अच्छी है यार। सबसे पहले तो आप एक चीज़ देखो कि इसके सामने की तरफ जो मतलब गोल चक्कर या फिर जो भी इसका एनिमेशन वो घूम रहा है ना, वो दिखने में एकदम ही डिफरेंट लग रहा है, ट्रू डिफरेंट, बहुत फ्री फायर जैसी फीलिंग आ रही है भाई, कसम से फ्री फायर जैसी फीलिंग आ रही है थोड़ी बहुत। और मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात लगी। और एक बार देखो, रुको रुको मैं इसको मारता हूँ सबसे पहले तो भाई काफ़ी। ओ भाई यार क्या इसको मतलब कह सकते हो,
तगड़ा सा मरता है, मतलब कि एक सिंगल गोली के अंदर ये डाउन हो गया, तो आप समझ लो इसका कितना ज़्यादा डैमेज होगा। सबसे ज़्यादा वो फनी बात लगी दो चीज़, एक तो ये जल्दी मर जाता है, इसी के साथ सामने की तरफ एनिमेशन हो रहा है घूमने को, वो तगड़ा लग रहा है। और एक और एनिमेशन आपको बताता हूँ, नॉर्मली आप चल रहे हो और जैसे आप इसको इसे चलोगे ना भाई, ये देखो मतलब भाई ये कौन सा एनिमेशन है भाई, कंटिन्यूसली नो मतलब बिना रुके, मतलब यहाँ पर आप देखो तो ओ भाई साहब मर गए यार, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। चलो यार मैं एक चीज़ सोचता हूँ, अगर मेरे सामने अगर रेवेंजर आ जाए तो देखते यार, रेवेंजर को देखते भाई, रेवेंजर कहाँ पर, हाँ ये रहा, इसको चलो यहाँ पर स्पॉन करके देखते हैं, अपने पास गोलियों की तो कमी नहीं है, एक बार इसका डैमेज का भी पता चल जाएगा भाई गन्स कितना डैमेज देती है। तो यार यहाँ पर अपना रेवेंजर, ओके ये रहा सांड बाबा, इसको करते हैं यहाँ पर रिलोड। चलो तो यार इसको मारते एक गोली और दो गोली, तीन गोली और अपने चार गोली, ओके चार गोली के अंदर ये ख़त्म हो गया। चलो तो यार दूसरी गन का भी एक बार पावर, दूसरी गन के भी पावर टेस्ट कर लेते एक बार, यहाँ पर गया और इसको, ओके यार इसको तो मेरे को नहीं लगता इसको मेरे को ज़्यादा उम्मीद नहीं है भाई, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से मारती है तो, और भाई साहब मेरे को तो नहीं लगता आज के दिन ये मरेगा। ओके यार इसको तो छोड़ो, मेरे ख्याल से इसको अगर अपन गए तो टाइम वेस्ट ही होगा। और भाई रुकना रुकना रुकना, अपना ने एक चीज़ तो नोटिस ही नहीं करी, रुकना अगर मैं यहाँ पर गया और इसको बोला भाई, मैंने यार ये चीज़ तो देखा ही नहीं, अभी आप देखोगे ना तो इसको भी इसका दिख रहा है। चलो तो यार ये अच्छी बात है, ओ भाई यार ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगी यार मेरे को ये वाली चीज़। चलो तो यार सामने की तरफ इस सांड को मार के देखते एक बार, और यहाँ पर क्राउच होता हूँ और एकदम झाड़ियों के बीच में, तगड़ा सा फीलिंग आएगी भाई यहाँ पर मारने की भी। और भाई चलो यार ये मर रहा था नहीं यार, मेरे ख्याल से इसका इसके इस वाली गन के अंदर कम डैमेज, और सबसे ज़्यादा डैमेज तो इस वाली अपने गोस्ट पिस्टल के अंदर है, डार्कनेस वाली। और इसी के साथ चलो एक और सांड बाबा को स्पॉन करते हैं, और इस बार देखते हैं कितनी गोलियाँ तो पता नहीं चलती इसके अंदर, फिर भी एक बार स्कोप खोल के इसको मारते हैं। ओके यार ये मर गया है, ओके मरा नहीं अभी तक भी, ओके चले जा रहा अभी तक भी, भाई साहब काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया इसने मरने में। फिर यार जो सबसे ज़्यादा पावरफुल मेरे को गन लगी, इसका नाम है गोस्ट पिस्टल डार्कनेस। तो यार ये वाला मोड यहीं पे समाप्त होता है, और आपको ये वाला मोड कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार लिख के बता देना। और अगर आपको इस मोड को डाउनलोड करना है तो इस मोड का लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा विद क्रिएटर की वेबसाइट के साथ, क्योंकि मैं डायरेक्ट वीडियो फाइल लिंक नहीं देता, आपको क्रिएटर की मेन वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना आप। अगर आपको डाउनलोड करने का तरीका नहीं आता हो तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। मैंने उसके अंदर दो चीज़ें बताई, अपने डाउनलोड करना और एक अपने सेकेंड मतलब कि उसको कैसे अप्लाई करना अपने माइनक्राफ्ट के अंदर, एकदम सबसे आसान वाला मेथड बताया उसके अंदर और बहुत तरीके बताए, तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके एंड तक देखना अगर आपको नहीं आता डाउनलोड करना और लगाना। तो गाइज़ यार आई होप सबको ये वीडियो पसंद है, पसंद प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, इसी के साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए बाय बाय गाइज़।